जहां उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीतों के गाने के आदेश के बाद यूपी के कई हिस्सों में यूपी के मदरसा संचालकों में नाराजगी भी बढ़ गई है। उनका कहना है कि वंदे मातरम वे नहीं गाएंगे, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। सवाल करते हैं कि क्या देशभक्ति वंदे मातरम के गाने से ही जाहिर होती है? उन्हें सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जनगणमन गाने से एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम वे नहीं गाएंगे। तो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया था जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी मदरसों में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान गाने का आदेश दिया गया था। इसका एक वीडियो बनाकर ईमेल के जरिए भेजने को कहा गया था, लेकिन अब उसके बाद जो विरोध के सुर हैं वो लगातार तेज होते जा रहे हैं। कई मदरसा संचालकों ने साफ तौर पर कहा है कि वे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा देंगे, राष्ट्रीय गान गा देंगे, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम नहीं गाएंगे। योगी सरकार के फरमान का बहिष्कार, तमाम जगहों से इसको लेकर आवाजें जो हैं वो बुलंद हो रही है। मदरसा संचालक जो हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बरेली और मेरठ की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर विरोध के सुर बुलंद हुए हैं। बरेली में दरगाह आला हजरत से योगी सरकार के फरमान के बहिष्कार का ऐलान किया गया। शहजादे ताजू शरिया और जमात रजा मुस्तफा के अध्यक्ष मौलाना अजत रखा खां काजरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों के प्रबंधक संचालक 15 अगस्त को शान से तिरंगा फहराएंगे, लेकिन राष्ट्रीय गान नहीं गाएंगे। राष्ट्रगान के कुछ शब्दों में खुदाई का दावा है, इसके लिए इस पर एतराज जताया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मदरसों को ऐसा आदेश देना एक साजिश है, इसीलिए मदरसों को राष्ट्रगान गाने से परहेज करने को कहा गया है। उन्होंने एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी सूबे के मदरसे हैं वो लोग अपने मदरसों में तिरंगा लहराए, आजादी का जश्न मनाएं, लेकिन जहां पर सवाल है राष्ट्रगान का तो ये कुफरी अवर्ड है, ताजुशरिया ने मना किया है। इसको लेकर हजरत मियां साहब ने तमाम मदरसों के जो संचालन है और प्रबंधक है उनको मना किया है कि वो राष्ट्रगान ना गाएं। ये योगी सरकार का तुगलकी बयान है और ऐसे फांसीवादी लोग हैं ये लोग, आज ये हम मुसलमानों के देशभक्ति का सबूत मांग रहे हैं। तो बरेली के मदरसों में ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत नहीं गाया जाएगा, राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाएगा, शान से तिरंगा फहरा दिया जाएगा। हालांकि यूपी सरकार के इस फरमान के बाद जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि राजनीति होगी और साथ ही साथ विरोध के सुर जो हैं वो बुलंद होंगे, कुछ इसी तरह की तस्वीरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले मेरठ और बरेली की दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा चुके थे और अब बरेली की पूरी घटना है जहाँ पर मौलाना अजत रजा खान ये फरमान जारी कर चुके हैं कि किसी भी मदरसे में राष्ट्रीय गान नहीं बजवाया जाएगा या गाया जाएगा। हालांकि अगर फरमान की बात की जाए तो मदरसा बोर्ड ने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत आपको गाना होगा, साथ ही साथ एक वीडियो बनाकर बोर्ड को भेजना होगा। किस तरह से आयोजन किया गया, किस तरह से तैयारियां हैं, बोर्ड की तरफ से दलील दी गई कि उनको लेकर ये वीडियो मांगा जा रहा है, लेकिन एक नया फरमान और इस फरमान को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। इधर मेरठ के मदरसे में 15 अगस्त को वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। सरकार के प्रदेश के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय गीतों के गाने के आदेश के बाद मदरसा संचालकों में नाराजगी काफी बढ़ गई है। वंदे मातरम को गाने से ही क्या देशभक्ति जाहिर होगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वे गा देंगे, जनगणमन गाने से उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम को नहीं गाया जाएगा। पूरे मसले पर मदरसा संचालक और छात्र सरकार के इस फरमान को गलत मानते हैं। इनका कहना है कि वंदे मातरम गाना कोई देशभक्ति का पैमाना नहीं है, साथ ही सरकार जो चाहे कहे वे इस गीत को नहीं गाएंगे। मदरसों में हर साल 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता है। बाकायदा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जनगण मन के साथ तमाम देशभक्ति के तराने गूंजते हैं, फिर इस तरह आदेश क्यों थोपा जा रहा है, ये सवाल मदरसे पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री का आर्डर जारी हुआ है, हमें मालूम हुआ है, तो ये वंदे मातरम कहना होगा, ये सरासर गलत है और हमारे मजहब के ख़िलाफ़ है और हम